अच्छा दोस्तों, बात कुछ ऐसे है कि हम लोग इकबाल स्टेडियम में आए हुए हैं गोलगप्पा चैलेंज के लिए, और रोमियो मुझसे नहीं होगा ऐसे। जी तो दोस्तों, बात कुछ ऐसे है कि हम आए हुए हैं इस टाइम इकबाल स्टेडियम में। अभी जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी है वो अलीशा की है। अलीशा, ये रही अलीशा। अब से इनको आप मेरे साथ साथ देखेंगे, क्योंकि ये हमारी यूट्यूब फैमिली का, यूट्यूब टीम का हिस्सा है। और हम बेसिकली यहाँ पे आए हुए हैं गोलगप्पा चैलेंज के लिए। अभी है स्टोरी टाइम, और मैं आपको बताता चलूँ कि जब से मैंने फूड व्लॉग स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कह रहे हैं कि आप फूड चैलेंज पे वीडियो बनाओ, गोलगप्पा चैलेंज करो, पिज़्ज़ा चैलेंज करो, मतलब मुख्तलिफ जो है फूड चैलेंजेस करो। और आज जो है मैं फाइनली करने जा रहा हूँ गोलगप्पा चैलेंज। देखते हैं कि कौन जीतता है। चैलेंज तब तक जो है वो कम्प्लीट नहीं हो सकता जब तक चैलेंज के ऊपर कोई शर्त ना आ जाए। तो आज की शर्त ये है कि अगर मैं जीता तो अलीशा पे करेगी, और अगर मैं हारा तो रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो अलीशा से पैसे लेंगे। शुरुआत दोनों तरफ से मैं ही फंस गई हूँ यार, और ठीक है, मुझे, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चैलेंज को। हम इस वक्त आए हुए हैं विलेज वैली इकबाल स्टेडियम, बहुत ज़्यादा मशहूर, और इनके सबसे अच्छे गोलगप्पे जो हैं वो मुझे लगते हैं, आप लोगों का पता नहीं। और बस शुरुआत करते हैं, अभी हम देने लगे ऑर्डर। भैया ऑर्डर ले लें। हम लोग अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कितनी कितनी प्लेट्स जो हैं वो मंगवानी है। तो अलीशा बताएं कितनी? एक एक। एक से क्या बनेगा, एक से तो कुछ नहीं बनना। एक का चैलेंज कम से कम तीन तो हो ना। तीन पर हेड, फिर ही तो मज़ा है यार। भैया आना यार, बात इस तरह है कि आप ना दो दो प्लेट्स कर देना, मतलब दो प्लेट्स मेरी, दो प्लेट्स इनकी, और जो गोलगप्पे होंगे वो अच्छी तरह फिल कर देना, मसाला जो है वो नॉर्मली रखना, ठीक है? यार बात ऐसे है कि हमारे जो हैं वो गोलगप्पे आ गए हैं, और ये भाई साहब आ जाए। भैया बिस्मिल्लाह। ओह माय गॉड, पक्का हारने वाली हूँ मैं। ये जो अच्छे खासे फिलअप हुए ना, सारे पैसे इसी के ही हैं। और अलीशा को टेंशन पड़ गई है कि इसने आज हार जाना है। कोशिश रहेगी मेरी जीतने की, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। और शुरुआत करने से पहले 120 FPS तो बनता है। ये जो गोलगप्पा है ना, ये हमने अच्छी तरह फिलअप करवाए हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साथ स्पेशली अलग से मिले हैं। ये वैसे मिलते होते हैं, लेकिन हमें जो है वो थोड़े एक्स्ट्रा मिले हैं। और इनकी खास बात जो है वो ये है कि इनके पानी दो किस्म के हैं, एक खट्टा है और एक मीठा है। वैसे लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं गोलगप्पे, लेकिन इतना नहीं खा सकती हूँ मैं। आज लग पता जाएगा, लड़की होने के तहत इसको लड़कियों की इज्जत रखनी पड़ेगी यार। Oh,
बात ऐसे है कि हम दोनों, ये चीटिंग है, ये चीज़ें रखी हैं आपने वापस, इसको भी फिनिश करना है। ये मैंने रखी है पहले, ये देखो, ये नीटनेस देख रहे हैं, इस तरह खाना है, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। नहीं ये पहले क्यों नहीं रखा, पहले नहीं, जो मर्जी है, ये भी फिनिश करना है आपने। चलो ये अलीशा के रह गए हैं और ये मेरे रह गए, वो मेरे हैं, क्यों जी ये मेरे, चलो ये मुझे तो बात तो एक ही है ना, वैसे उसमें मैंने दो एक्स्ट्रा रखे थे। सूरत हाल ये है कि एक एक से दोनों टीमें बराबर हैं। बात ऐसे मैं हारना नहीं चाहता इसको, इसलिए मैं तेजी तेजी से खाऊंगा। बहुत मजे गया आज मैंने लड़कों की इज्जत रखनी है। बस देखा मैं कितना चालाक हूँ, मैंने लीशा को कैमरा पकड़ा लिया और खुद अपने तीन गोलगप्पे खत्म कर लिए। देखा बाद में ये चीटिंग है, उधर लाओ मेरी प्लेट, मैंने तीन रह गए थे, तीन खाए हैं, अब ये तीन साइड पे पड़ेंगे मेरे तीन। ये क्या बात हुई, ये चीटिंग कर रही है मेरे साथ, हम फिर भी खाएंगे। मुझे जीतना है, नहीं चीटिंग नहीं करनी, अभी रहते हैं, अभी रहते, चीटिंग नहीं करनी मेरे साथ, अपना कपड़ा डाल दिया मेरे प्लेट में, ये मेरा आखिरी है। Everything is fair in love and war, and this is world war. Finish हो गए, ये एक प्लेट, ये दूसरी। कहने का मकसद ये है कि मैं जीत गया हूँ, जी लीशा, ये इसने बाद में ख़त्म किया। हाथ में पकड़ा हुआ है, हाथ में पकड़ा, बहुत अल्लाह माफ करे। ये देख रहे हो, ये इस तरह से होती चीटिंग्स। मुकाबला मुकम्मल होना था, पूरा होना था, बराबर का होना था, ये तीन गोलगप्पे पहले खा लिए थे और तीन अभी बचे। यार देखो ना, आपको भी तो कुछ दिखाना है ना, हमने एंटरटेनिंग, तो वो इसी तरह ही होना था। लिहाजा बात अब ये है कि मैं जीत गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मुकाबला है ना, ये बराबर का होना था, ये इसलिए नहीं ऐसा हुआ क्योंकि मुझे पहले कैमरा पकड़ा दिया गया जी, मेरी वीडियो बनाओ, और बाद में ये ऐसे हुआ। अब ये जो है ना, जानबूझ के सिंपती गेन करने के लिए, ये सिर्फ सिंपती गेन करने के लिए है कि मतलब लाचार बन के, और क्या कहते होते हैं, फेमिनिज्म, देख रहे हैं आप, इस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। बहरहाल बात ये है कि मैं जीत गया हूँ और ये हार गई हैं, बिल प्लीज़। बात ऐसे है कि बिल आ गया है और ये बिल बना है 600, जो चैलेंज के मुताबिक अलीशा पे करेंगी। जी अलीशा, ये बिल पकड़े और बिस्मिल्लाह करें आप बिल की। ठीक है मैं मानती हूँ, पर मैं हारी नहीं थी। हाँ अब रोना छोड़ दो, रोना दो ना। अच्छा पूरे 600 अंदाजे कितना रखे हुए थे? हाँ जी मैंने रखे हुए थे, मुझे पता था इतने बनेंगे। अरे ये इसको सारी जिंदगी जो है ना वो याद रहेंगे, ये ले लो यार। अभी जो है ना वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं अलीशा को अपना कैमरा दूंगा और वो मेरे ही स्टाइल में मेरी कुछ लाइंस बोलेंगी और बस देखते हैं। अच्छा दोस्तों बात कुछ ऐसे है कि हम लोग आए हुए थे इकबाल स्टेडियम और गोलगप्पे चैलेंज के लिए, मेरे साथ रोमियो अली है, और ये चैलेंज ख़त्म हो गया और चूँकि इनके मुताबिक मैं हार चुकी हूँ, तो हार चुकी हूँ मैं। इनके मुताबिक का क्या मतलब है भैया, हार चुके हैं डेफिनेटली, टेक्निकली बेसिकली और इवेंचुअली, या जो मर्जी आप कह लें, और ये हार चुके हैं। आज के फूड चैलेंज को ख़त्म करते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाजमी अप्रिशिएट करें, और इसके साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि हम नेक्स्ट किस फूड चैलेंज पे हम वीडियो बनाएं। और बस, और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।